बता दें कि बाबा सिद्दीकी की मौत का झटका न केवल राजनीतिक गलियारों को लगा है बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी गहरे सदमे में हैं। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड के बेहद करीब थे। वो सलमान खान के बेहद करीबी और अजीज दोस्तों में से एक थे। गोली लगने की खबर मिलते ही सलमान खान देर रात उनका हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनकी जान को बचाया नहीं जा सका। रविवार को बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे थे और उन्होंने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। बताया जा रहा है कि अपने अजीज दोस्त को खो देने की वजह से बॉलीवुड स्टार सलमान खान बुरी तरह से टूट गए हैं और इसका दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर ही देखा गया। सोशल मीडिया पर बाबा की अंतिम यात्रा की वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई देने के लिए सलमान खान के अलावा जरीन खान, एमसी स्टैन, शिखर और वीर पहाड़िया, उड़ोसी रोतेला, सना खान और उनके पति मुफ्ती अनस सिद्दीकी के अलावा सोहेल खान, शुरा खान और जूलिया वंतूर जैसे बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सना खान की भी तस्वीर सामने आई है। फोटोज में देखने को मिल रहा है कि सना खान अपने पति अनस सैयद के साथ बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची थी। इस दौरान वो फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। उनका वीडियो भी सामने आया। उनके अलावा एमसी स्टैन, पूजा भट्ट, मनारा चोपड़ा, रश्मि देसाई, अदा खान, शुरा खान जैसे बॉलीवुड सितारे यहां पहुंचे और बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर मिलते ही सलमान खान ने बिग बॉस 18 की शूटिंग रोक दी थी। वो देर रात को ही अस्पताल पहुंचे। बाबा सिद्दीकी पर तीन शूटर्स ने हमला किया था और 2-3 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार गुट के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार को मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दो हमलावरों गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज राजेश कश्यप को गिरफ्तार कर चुकी है। रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस व्यक्ति ने इस हत्याकांड के बाद फेसबुक पोस्ट लिखा था। आपको बता दें कि इस घटना के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी सलमान के दोस्त थे, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले सलमान के दोस्त एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई तब उनकी सुरक्षा में एक पुलिस कांस्टेबल तैनात था। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और 28 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस एक सोशल मीडिया पोस्ट की भी पुष्टि कर रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के नेता सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।